चलिए जी, मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन जो डिस्कस किया था वो था, प्रत्यूष टुक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैटुला एंड हीटेड इट, ही कलेक्टेड द गैस बाय कन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर एंड मॉइस्ट लिटमस पेपर। इसमें था व्हेन सल्फर इज बर्न्ड इन एयर, इसका जो आंसर था आप बता रहे हैं कि हमने लास्ट टाइम करा नहीं था, सुनिएगा। And sulfur is burnt in air, then sulfur dioxide gas is formed. तो पहली चीज तो ये है कि जब सल्फर को एयर में बर्न किया जाता है तो एयर में ऑलरेडी ऑक्सीजन होती ही है, तो जब सल्फर को एयर में बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, पहली चीज। फिर उसमें है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हैज नो एक्शन ऑन ड्राई लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर पर किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं होगा। सल्फर डाइऑक्साइड का ड्राई लिटमस पेपर पर किसी भी तरीके का रिएक्शन क्यों नहीं होगा, पहली चीज तो ये है कि हमने जो दो या तीन जो हमने नॉन मेटल्स स्टडी करे हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, उनमें एक तो कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, और सल्फर था, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है, तो एक तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो बिकॉज कार्बन इज अ नॉन मेटल, सल्फर इज ऑल्सो नॉन मेटल, तो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाएगा तो वो बनेगा एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड यानी कि वो एसिड की प्रॉपर्टी शो करेगा, और एसिड्स इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई ड्राई लिटमस पेपर के केस में जो ड्राई हमारा ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, बिकॉज ड्राई लिटमस पेपर है ना, यानी कि वो मॉइस्ट नहीं है, यानी कि उसमें पानी नहीं है। अब अगर मान लीजिए मैं ब्लू लिटमस पेपर को थोड़ा सा गीला कर देता हूँ, मॉइस्ट कर देता हूँ, यानी कि नाउ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अब रिएक्शन में वाटर भी मौजूद है, तो जब रिएक्शन में वाटर भी अब प्रेजेंट है तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एसिड्स शो देगा एसिडिक प्रॉपर्टी, यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। बताइए समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। हां जी सर। ठीक है, चलिए जी, अब इसके एक्सक्यूज मी सर। हां जी बताइए। सर मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था सर, पूछने सर एक एमसीक्यू था सर, एक क्वेश्चन था, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग substances, और सर इसमें दिया हुआ है silver, platinum, zinc and bronze. Find the, दोबारा बताइए। और सर find the odd one out from the following substances, और सर options दिए हैं silver, platinum, zinc and bronze. Silver, platinum, तीसरा बताइए। और सर zinc और fourth है bronze. Fourth है bronze? Yes sir. अच्छा, तो bronze हो गया क्योंकि silver, प्लेटिनम और तीसरा क्या बताया था बेटा? सर जिंक। जिंक, ये तीनों के तीनों एलिमेंट है, और ब्रॉन्ज जो है, ब्रॉन्ज आपका एक अलॉय है जो कॉपर और जिंक को मिक्स करके बनाते हैं। ओके सर, ठीक है ना, तो ब्रॉन्ज इसमें अलग है क्योंकि ब्रॉन्ज अलॉय है। थैंक यू सर। अच्छा जी, अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट आयंस। तो आयंस के बारे में ज्यादातर बच्चों को पता ही होगा, देखिए आयंस जो है, आयंस आर ऑफ टू टाइप्स, एक होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयंस ठीक है, और एक होते हैं नेगेटिवली चार्ज आयंस, पॉजिटिवली चार्ज आयंस को कैटायंस बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयंस को एनायंस बोलते हैं ठीक है। अब पॉजिटिवली चार्ज आयंस के बारे में ज्यादा डिटेल में मैं बताना ठीक नहीं समझता, आप सब बच्चों को पता ही होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक क्विक रिव्यू करवा देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये बनते किस तरह से है, कैटायन हो या एनायन हो, बनेगा किस तरह से। मैं बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ मैग्नीशियम का, जैसे मान लीजिए हमारे पास मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12 है,
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये आप सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा इसका 2, 8 और 2। और हम ये बोलते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये अनस्टेबल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो अब हम इसमें ये बात करते हैं जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ब्रैकेट में लिखिएगा जनरली। जनरली का मतलब क्या है कि अगर किसी तरीके का कोई कैटायन या एनायन नहीं बना है तो आमतौर पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए 12 है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसका मतलब क्या है, इसमें 12 ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें 12 ही प्रोटॉन है, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन्स कभी चेंज नहीं होता प्रोटॉन का नंबर, प्रोटॉन फिक्स होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर बंध के बैठे रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर में, जो बाहर जो शेल्स होती हैं वो शेल्स में कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमने ये कहा कि प्रोटॉन्स, इसीलिए हम ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है कि इलेक्ट्रॉन कभी एक्सेप्ट भी कर लेता है, इलेक्ट्रॉन कभी डोनेट भी कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो कई बार जो है वो चेंज होता रहता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग हम ये बोलेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं और उसी को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मैं उसको पी बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैंने उसको पी बोल दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 12 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 12 ही है। लेकिन हमने ये कहा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, स्टेबल होने के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2.8 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन बचे, और इसके पास 10 बचे इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन फिक्स है क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बंध के बैठे हुए हैं, न्यूक्लियस को खोल पाना आसान बात नहीं है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है वो, तो न्यूक्लियर को तोड़ पाना या खोल पाना आसान नहीं है। तो हमने कहा न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए प्रोटॉन तो प्रोटॉन तो दोबारा ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसने 2 डोनेट कर दिए। जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन उसके पास बचे 10। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है बेटा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब चार्ज की बात करेंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो ये हो गया बेटा प्लस का 12, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस का 10। तो क्या आ गया मेरे पास, प्लस का 2। ये समझ में आ गया सबको? इसी वजह से हम ये बोलते हैं कि मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है 2+, यानी कि मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2+। इसी वजह से हम बोलते हैं, क्यों, क्योंकि चार्ज इस तरह से निकालते हैं कि प्रोटॉन्स जितने भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं दोनों को ऐड कर देते हैं। तो प्रोटॉन जो कि प्लस 12 थे विद देयर साइन ऐड करते हैं, तो प्रोटॉन कितने थे 12 और इलेक्ट्रॉन 10 थे। प्रोटॉन का साइन प्लस है तो प्लस 12, इलेक्ट्रॉन का साइन माइनस है तो -10। इसी तरीके से अब मैं बात करता हूँ, ये तो मैग्नीशियम का एग्जाम्पल हुआ, ऐसे ही मैं एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ये होता है कितना, 8 होता है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ EC, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी बेटा 2.6। ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये स्टेबल होने के लिए बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अब आप ये देखिए कि प्रोटॉन्स कितना था, जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। तो प्रोटॉन इसके इनिशियली कितने थे, 8 थे, तो प्रोटॉन को तो चेंज कर पाना मुश्किल है, वो तो नहीं हो पाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले 2.6 यानी कि पहले 8 थे इलेक्ट्रॉन, अब इसने बाहर से 2 ले लिए, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। तो प्रोटॉन पर चार्ज प्लस, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस। तो यहां से मैं ये कहूंगा कि इसका ओवरऑल चार्ज कितना हो गया,
इसका ओवरऑल चार्ज हो गया प्लस का 8 एंड माइनस का 10, प्लस 8 माइनस 10 कितना हो गया माइनस 2, तो इसीलिए हम ये बोल देते हैं कि ऑक्सीजन का चार्ज होता है बेटा 2 माइनस। ये सबको समझ में आ गया? हाँ जी सर। यस सर। तो ये तो इसके अंदर का कॉन्सेप्ट है कि आयन बनते किस तरीके से हैं, लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें अगर वो पूछेंगे तो हम इस तरीके से समझा देंगे इसको। कैसे? हम आयन अगर पूछे कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, तो मैग्नीशियम आयन किस तरह से बना, हम लिखेंगे मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, यानी कि मैग्नीशियम में से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो Mg माइनस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स Mg टू प्लस। इसको लिखने का ये तरीका होता है, मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, यानी कि मैग्नीशियम में से दो इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट हो गए, वो बन गया Mg टू प्लस। बताइए समझ गए? यस सर। हाँ जी, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बाहर से दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन प्लस टू इलेक्ट्रॉन एंड इट विल गिव O2 माइनस आयन। हम साधारण भाषा में, जनरल लैंग्वेज में बस ये बोल देते हैं कि अगर मैंने इलेक्ट्रॉन लिया तो जितने इलेक्ट्रॉन लिए, मान लीजिए तीन इलेक्ट्रॉन लिए तो थ्री माइनस हो गई वैलेंसी, अगर मान लीजिए मैंने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो टू प्लस होगी वैलेंसी, ठीक है, याद रखने के लिए सही है। लेकिन अंदर कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपसे फॉर्मेशन ऑफ आयन पूछा जाए तो आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, ये मैंने नोट्स में एक्सप्लेन कर भी रखा है। और दूसरी चीज ये है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला जो 9th क्लास में चैप्टर था उसमें आप सब बच्चे कर भी चुके होंगे, तो इसका तो आप एक क्विक रिव्यू ले लेना, दो या तीन पेजेस में मैंने ये एक्सप्लेन करा है, समझ लेना। उसके बाद मैं आगे पहुंचता हूँ इसी में, आयंस में। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कैटायन कैसे बनता है और एनायन कैसे बनता है, ठीक है? उसके बाद यस सर, उसके बाद ये है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन, ये भी आप कर लेंगे, कुछ नहीं है इसमें। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम आयन, ये भी आप कर लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम आयन, सब हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही एनायंस की फॉर्मेशन है, ये भी हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, वो जो आपने दो टाइप्स वाली बॉन्डिंग बताई थी वो आप एक बार प्लीज फिर से समझा दो। कौन सी वाली बॉन्डिंग? सर कोवेलेंट और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग्स जो आपने बताई थी। अगला टॉपिक वही है, मुझे दोबारा बताना नहीं है, मुझे बताना ही पहली बार हुआ है, उस दिन तो ऐसे ही बता दिया था, आज बताऊंगा डिटेल में। सर मुझे कुछ समझ नहीं आया था। कोई बात नहीं, आप दोबारा बता रहा हूँ। देखिए अब इसमें क्या है कि एनायन कैसे बनेंगे, कैटायन कैसे बनेंगे, ये आप देख लीजिएगा, मैंने नोट्स में इंक्लूड कर दिया है। कॉन्सेप्ट यही है कि जो इलेक्ट्रॉन देगा वो कैटायन बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो एनायन बनाएगा, ठीक। अब कैटायन और एनायन की हेल्प से हमारे दो तरीके के बॉन्ड बनते हैं, एक आयनिक बॉन्ड और एक कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आयनिक बॉन्ड स्टडी करूंगा, तो किसी भी बच्चे को अगर ना समझ में आए तो प्लीज पूछ लेना, कैटायन और एनायन कैसे बनते हैं। कार्तिक समझ में आ गया? कार्तिक कृष्णा जी, लक्ष्य क्लियर है कैटायन और एनायन किस तरह से बनते हैं? यस सर। ठीक है, अब जरा देखिएगा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, अगला जो हमारा टॉपिक है, ये मैंने आपको एक बार ना पहले हिंट दिया था, लेकिन डिटेल में आज इसको पढ़ना है, इस चैप्टर का ही हिस्सा है ये, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। बस एक मिनट रुकिए बेटा, मैंने पानी लिया हुआ है।
तो दो तरीके के होते हैं हमारे पास, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन वो करने से पहले सब बच्चे बस एक चीज और कर लें, जैसे मान लीजिए मैं सोडियम की बात करता हूं, सोडियम तो इलेक्ट्रॉन बेटा दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जैसे सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 है तो 281 आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? एक इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम के आगे एक सिंगल डॉट लगा दो, बस एक सिंगल डॉट लगा दीजिए सोडियम के आगे। अच्छा, और क्या कहेंगे इसको, आयन क्या बनेगा? आयन बनेगा Na प्लस या 1 प्लस बोल दीजिए, एक ही बात है, Na प्लस बोल दो या Na 1 प्लस बोल दो। इसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 282, आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नीशियम के बाहर 2 डॉट लगा दीजिए बस, Mg, एक डॉट, 2 डॉट, डबल डॉट लग गए, और 2 आउटरमोस्ट में 2 है तो 2 को ये आराम से डोनेट कर देगा, तो इसका आयन क्या बन गया? Mg 2 प्लस। हाँ जी सर, डॉट कहीं पे भी लगा सकते हैं ना? डॉट कहीं पर भी लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन आसपास लगाना, बहुत दूर मत बना देना। यस सर। मैग्नीशियम यहाँ पर है और डॉट यहाँ लगा दिया, ठीक है, तो पास में लगा रहे हैं। यस सर। उसके बाद अगला अगला है एल्यूमिनियम। ये कुछ कॉमन कैटायंस बता रहा हूँ आपको, एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी एटॉमिक नंबर होता है 13, तो 283, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 3 इलेक्ट्रॉन, तो एल्यूमिनियम का सिंबल लिखिए Al और Al के बाहर 3 डॉट लगा दीजिए, ये हो गया Al और 1, 2, 3। एल्यूमिनियम में आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो बड़े आराम से 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो Al 3 प्लस, Al 3 प्लस। चौथा पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 19, 1919, तो 19 का मतलब क्या हो गया? 2881, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन, तो K के बाहर एक डॉट लगा लीजिए, ये हो गया K प्लस लिख दीजिए या 1 प्लस लिख दीजिए। कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो 2882, तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन को आराम से डोनेट कर देगा, तो हमने लिखा कैल्शियम के आगे 2 नॉट लगा दिया ऐसे, ठीक है। और जब कैल्शियम के आयन की बात करेंगे तो आयन हो जाएगा Ca2+, आयन हो जाएगा Ca2+, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे लिख रहा हूँ। Ca2+, ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं, अब ये तो हो गए कैटायंस, अब इसी तरीके से मैं कुछ एनायंस की बात करूंगा। इसी तरीके से कुछ एनायंस देखते हैं, तो एनायंस में पहला ही लेते हैं पहले फ्लोरीन, FLUORIN, फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, फ्लोरीन का बेटा एटॉमिक नंबर होता है फ्लोरीन का 9, ऑक्सीजन के जस्ट बाद आता है एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो 9 का मतलब क्या हो गया, 2.7, 2.7, तो इसका मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट में इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो सबसे पहले तो ये हो गया 2.7, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना। तो आप फ्लोरीन का सिंबल लगाकर और उसके बाहर 7 डॉट्स बना दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये हो गया। उसके बाद जो आयन बनेगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है बेटा, आयन बनेगा 1-, क्लोरीन, तो ये हो गया। क्लोरीन के बाद अगला है क्लोरीन, CHLORIN, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 17 का मतलब क्या है कि 2, 8, 7, 7 का मतलब आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्लोरीन का सिंबल देखिए CN और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आपने क्लोरीन के चारों तरफ 7 डॉट्स लगा दिए, तो ये आपका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये बाहर से चलेगा, ये हो गया CN1-। थर्ड है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सभी बच्चे जानते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 8 का मतलब हो गया 2.6, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ऑक्सीजन के बाहर 6 डॉट्स लगा दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा, इसका आयन बन गया 4-, 4th सल्फर। तो सल्फर जो है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, 16 का मतलब हो गया 2.8.6, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसके भी आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 डॉट्स लगा दीजिए सल्फर के बाहर, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ये भी क्या करेगा, ये भी बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो S2- सल्फर हो गया। सल्फर के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 7 का मतलब 2.5, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो नाइट्रोजन के बाहर 5 डॉट लगा दो, 1, 2, 3, 4, 5, ये लगा दिया, ये बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका आयन बन गया N3-। ये मैंने सारे कैटायंस और एनायंस, जो कॉमनली यूज कैटायंस और एनायंस हैं, वो लिख दिए। तो इससे थोड़ी बहुत हमें हेल्प मिल जाएगी जब हम बॉन्डिंग समझेंगे। तो केमिकल बॉन्ड्स दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, तो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड, और दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहले आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्मड व्हेन वन ऑफ द एटम्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड द अदर एटम नीड्स इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इट इज अ कॉम्बिनेशन बिटवीन अ कैटायन एंड एनायन। जब एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है, उनके बीच में जब कॉम्बिनेशन करा जाता है ना, तो वो जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक, अच्छा, ये इस तरीके से बनेगा, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल देखकर आप लोग समझ जाएंगे अपने, ठीक है। और इसमें आपको ये करके दिखाना होगा कि किस तरीके से ये बॉन्डिंग हो रही है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, किस तरीके से, आयनिक बॉन्ड के एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्मड व्हेन वन एलिमेंट
donates electrons, that is when one element forms cations and another element accepts electrons, that is when another element accept electrons, यानी कि form anions, तो cation और anion के बीच में जब reaction होता है तो ionic bond बनता है. पहला example formation of sodium chloride NaCl, इसका formation है. तो ये जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाया है, वैसे तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से बनेगा. वैसे हम जानते हैं कि सोडियम जो है ये होती है सोडियम की वैलेंसी Na1+, ये होती है क्लोरीन की वैलेंसी Cl1-. तो देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ राइटिंग क्रॉस ओवर वैलेंसीज कि वन जो क्लोरीन का है उसको तो सोडियम के साथ लिख देते हैं ऐसे Na1, और जो वन सोडियम का है उसको क्लोरीन के साथ लिख देते हैं Cl1. तो Na1Cl1 हो गया. जहां पर वन लिखा नहीं जाता तो मैं इसको सीधे सीधे NaCl बोल देता हूँ. तो एक तो फंडा सीधा सीधा ये है ठीक, लेकिन इसकी फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू आप कैसे समझाएंगे वो देखिएगा. मेरे पास बेटा सोडियम है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या हो गया, Na के बाहर एक डॉट प्लस क्लोरीन, क्लोरीन के बाहर सात डॉट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. देखिए क्लोरीन के बाहर कितने डॉट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में सात इलेक्ट्रॉन है. तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है बाहर से. अरे भाई लेगा किससे, लेगा तो उसी से जिसके पास फालतू होंगे इलेक्ट्रॉन, उसी से तो लेगा ठीक. तो क्लोरीन किससे लेगा इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन किसी ऐसे से लेगा जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है. तो क्या हुआ कि सोडियम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, सोडियम ने कहा कि भाई मेरे को इसकी जरूरत नहीं है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में लिख देते हैं e की पावर में माइनस, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ठीक है बेटा. तो ये क्या हो गया NaCl, बताइए सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं. ये वाला एक बार दोबारा बता दीजिए सर, ये दोबारा समझिए. देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बता दीजिए सर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है. हां दोबारा समझ लो, कुछ भी नहीं है इसमें, बेहद आसान कांसेप्ट है. जैसे मैंने बोला सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, तो 11 कैसे लिखा जाएगा, 2, 8, 1. तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन है ना. तो सोडियम के बाहर एक डॉट लगा दो, बस आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही डॉट लगा देंगे आप उसके उसके सिंबल के बाद ठीक है. अब क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17. तो 17 से क्या समझ में आता है कि 2, 8, 7, यानी कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में सात इलेक्ट्रॉन है. तो आप क्लोरीन के बाहर सात डॉट लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक. सोडियम यहाँ लिख दिया, सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ बना दिया. क्या समझ में आता है कि सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा है, क्लोरीन के पास एक कम है, तो इसने इसको डोनेट कर दिया, NaCl बन गया, कंबाइन हो गए दोनों, सोडियम भी सेटिस्फाई, क्लोरीन भी सेटिस्फाई. बताइए जी समझ में आया कि नहीं. यस सर. बताइए समझ गए लक्ष्य. यस सर. यस सर. ओके ओके. दूसरा देखिएगा, ये तो पहला एग्जांपल था सर. हाँ बोलो सर. एक बार आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन समझा दो, मेरे को समझ नहीं आई डेफिनेशन समझ नहीं आई. आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि व्हेनेवर देयर इज अ कॉम्बिनेशन बिटवीन अ कैटायन एंड एनायन देन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्मड. व्हेनेवर देयर इज अ कॉम्बिनेशन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, कैटायन क्या कैसे बनता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. और एनायन कैसे बनता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. तो हमने ये कहा कि whenever there is a reaction between two elements where one element can donate electrons and other element can accept electron, तो इसका मतलब क्या है कि एक cation होगा और एक anion होगा, then in that case ionic bond is formed. बताइए समझे कि नहीं. Yes sir. अब बात करते हैं KCl की. तो आप KCl यानी कि potassium को देखो, potassium का electron dot structure क्या है, एक बाहर dot लगा हुआ है, तो K के बाहर एक डॉट है और प्लस क्लोरीन के बाहर सात डॉट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. इसको एक चाहिए, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया. तो ये क्या बन जाएगा, ये तो बन गया K+ और ये है Cl1-,
एक बार ऐसे लिख दीजिए और ये आपने सीधा सीधा KCL लिख दो। बताओ समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. अभी covalent bond भी आएगा समझ में, पहले आयनिक समझो, उसके बाद अगला देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मैग्नीशियम के बाहर दो डॉट्स लगा दीजिए, आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो दो डॉट लगा दिए, प्लस क्लोरीन। भाई क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास तो दो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझना। क्लोरीन को, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब मैग्नीशियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है, अब मैग्नीशियम कहेगा भाई मेरा एक इलेक्ट्रॉन तो मैं एक क्लोरीन को दे दूंगा, दूसरे का क्या होगा? क्लोरीन कहेगा चिंता मत करो, एक क्लोरीन को और बुला दूंगा मैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक क्लोरीन ले रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मैग्नीशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ दे दिया, क्लोरीन ने अपने एक दोस्त को और बुला लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैग्नीशियम ने अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, मैग्नीशियम भी सेटिस्फाई, क्लोरीन भी सेटिस्फाई, दोनों क्लोरीन सेटिस्फाई। तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम तो एक अकेला था Mg, और क्लोरीन कितने थे, दो थे, तो MgCl2 बन गया। बताओ समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया। तो फंडा वही है पुराना जो 9th क्लास में पढ़ा है, फंडा पुराना ही है कि भाई मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, देखो इधर मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+, क्लोरीन की वैलेंसी 1-, तो पलट कर लिख देते हैं वैलेंसी, इंटरचेंज करके लिख देते हैं, तो MgCl2 हो जाता है। तो 9th में तो ये चीज पढ़ी थी, यहाँ 10th में आपसे बोला जाएगा आयनिक बॉन्ड जब आप बनाकर दिखाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू दिखाएंगे, तो ऐसे करके दिखाएंगे उसको, ठीक है। और देखते हैं, 2-4 एग्जांपल और देखेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सबको अच्छे तरीके से। देखो उसके बाद बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। सर सोडियम और फ्लोराइड का हो सकता है क्या? दोबारा बोलो सर, फॉर्मेशन सर सोडियम और फ्लोराइड की हो सकती है? सोडियम और फ्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन नहीं होता बेटा, रिएक्शन नहीं होता। और किसका रिएक्शन होता है, किसका रिएक्शन नहीं होता, ये जानने का कोई तरीका नहीं है। कभी आपको लगे कि मुझे कैसे पता है कि ये रिएक्शन नहीं होता, ये क्या है कि हमने कई चीजें पढ़ी तो पढ़ने से हमको समझ में आया कि इन चीजों का रिएक्शन नहीं होता है। तो इसका कोई रूल नहीं है, इसका कोई रूल नहीं है, क्योंकि सोडियम फ्लोराइड नाम का कंपाउंड मैंने अपनी लाइफ में पढ़ा ही नहीं है, तो सोडियम और क्लोरीन का कोई रिएक्शन नहीं होता। आप जो भी रिएक्शन करें, आप सिर्फ वही रिएक्शन करो जो स्टेटस में मेंशन है, ठीक है ना। तो जितने आपको एग्जांपल दे रहा हूं बस ये कर रहा हूं। यस सर, ठीक है। अगला देखिए फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड में यस सर, हां जी, बिल्कुल कहानी है, कैल्शियम के आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन है तो दो डॉट लगाइए। अभी क्लोरीन जो है, कैल्शियम अपना एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन को दे देगा, दूसरा किसको देगा, फिर से वही चीज, दो क्लोरीन बना लो आप, एक क्लोरीन यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक इलेक्ट्रॉन तो इसको दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, दोनों के दोनों सेटिस्फाई, क्या हो गया CaCl2, क्लोरीन कितने दो है ना, तो CaCl2। बताइए क्लियर है ये? हर्षिका समझ में आ रहा है? यस सर, ठीक है। अगला देखते हैं कार्तिक की आवाज नहीं आ रही है, कार्तिक है और नहीं दिवस अनुभव सर? अच्छा चलो, दिवस की तो आवाज आ गई, मेरे को लगा डीपीएस आ रहा है, साइलेंट हो गए सारे। चलिए जी अगला देखते हैं, ये कैल्शियम क्लोराइड हो गया, फिर देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO।
फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम का देखना जरा क्या है, Mg के बाहर दो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर Mg दो इलेक्ट्रॉन, और जो ऑक्सीजन है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑक्सीजन में भी आउटर मोस्ट में 6 हैं, यानी कि ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैग्नीशियम के पास दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो हमें दूसरा ऑक्सीजन बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक से ही काम चल जाएगा. मैग्नीशियम ने अपना ये इलेक्ट्रॉन भी और ये इलेक्ट्रॉन भी दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए, ये क्या बन गया MgO. समझ गए कि नहीं? हाँ जी सर. आस्था और भव्या बताइए, समझ गए? यस सर. ओके सर, हाँ बोलो सर. जो इसमें मेटल होगा वही तो लूज करेगा ना? बिल्कुल, मेटल लूज करता है, तभी तो मेटल एंड नॉन मेटल की नहीं तो पढ़ रहे नहीं वाला टॉपिक. बस मैं पूछ रहा था. चलिए जी, सर बट हमेशा मेटल ही क्यों करता है? हमेशा मेटल की तो बेसिक प्रॉपर्टी होती है ना कि जो कैटायन फॉर्म करता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वही मेटल होता है, बेसिक डेफिनेशन ही है मेटल की. जो भी इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है उसी को मेटल बोलते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसी को नॉन मेटल बोलते हैं, और जो इन दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है उसको हम मेटलॉइड बोलते हैं. ओके सर. हाँ जी, अब जरा देखिएगा फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO. तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट में कितने हैं? दो इलेक्ट्रॉन, तो जी दो इलेक्ट्रॉन हो गए. और ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन वो भी इसी को दे दिया, बन गया जी कैल्शियम ऑक्साइड. हो गया है सेटिस्फाई और कैल्शियम ऑक्साइड बन गया. अब इसके बाद में हम बात करते हैं जी कोवलेंट बॉन्ड की. आयनिक बॉन्ड में इतने एग्जाम्पल्स हैं, सफिशियंट है. उसके बाद बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की. कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जब भी कॉम्बिनेशन होता है दोनों एनायंस के बीच में, जब भी कॉम्बिनेशन होगा दोनों एनायंस के बीच में, देखो जब एक कैटायन है और दूसरा भी कैटायन है, जब दोनों ही कैटायन है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो उनमें कभी भी दोस्ती नहीं होगी, उनमें कभी भी किसी भी तरीके का बॉन्ड नहीं बनेगा. जब भी कैटायंस हैं तो दोनों कैटायंस के बीच में कभी बॉन्ड नहीं बनता. बॉन्ड बनेगा या तो कैटायन और एनायन के बीच में और या फिर एनायंस के बीच में, क्योंकि एक जो एनायन है उसको क्या है कि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहर से, ठीक है, उसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स की तलाश है, वो चाहता है कि मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए. एक दूसरा है उसको भी बेचारे को इलेक्ट्रॉन चाहिए. जब दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए और इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल नहीं रहे हैं तो वो दोनों आपस में शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड. किस तरह से बनाते हैं ये समझिएगा आप लोग. देखिए मैं कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल सारे यहां पर डिस्कस करूंगा, मैं ये मिटा रहा हूं, नोट्स मैं आपको रात में भेज दूंगा 11 बजे तक, तो आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना. भव्या समझ में आ रही है? तीजा समझ में आ रही है? यस सर. तो बात करते हैं जी कोवलेंट बॉन्ड की. Whenever there is a bond formed between two anions, whenever both the elements are in search of electrons, whenever both the elements accept electrons from outside, then the type of bond which is formed is known as covalent bond. अब covalent bonding के कुछ हम example देखेंगे. यहाँ तीन तरीके के covalent bond होते हैं उनका. एक होता है single covalent bond, एक होता है double covalent bond और एक होता है triple covalent bond. ठीक है, अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कॉम्बिनेशन में पार्ट लेता है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बन जाता है, तो अगर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन में हिस्सा लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. एक पेयर तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दो पेयर
तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीन पेयर तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के कोई एक या दो ही एग्जांपल है, सिंगल वाला बहुत ज्यादा कॉमन होता है। तो सिंगल में देखिएगा, हमने ये कहा और समझाते भी हैं आपको काफी कि भाई क्लोरीन जो है, फ्लोरीन जो है, आयोडीन जो है, ये डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे होता है ऐसा, डाई एटॉमिक स्टेट में ही क्यों एग्जिस्ट करते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड से आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सीएल टू। सीएल टू मतलब क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैसे बनेगा, वही क्लोरीन है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसने कहा मुझे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कोई कैटायन नहीं मिला जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, जिसको इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इसने कहा कि चलो मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ, शायद उसी से कुछ काम बन जाए। तो एक और क्लोरीन आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसने कहा कि चलो भाई शेयरिंग कर देते हैं आपस में। इसने कहा कि ये तुम्हारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दोगे तो मेरे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। इसने कहा कि और अगर मैं अपना एक अगर तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दोगे तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। फिर उन्होंने बोला कि क्यों ना हम अपने ही एक एक इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर लें, है ना। पर क्या है कि अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन इस बेचारे के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये सेटिस्फाई हो गया, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो इन्होंने कहा कि जब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। कैसे, ये नजदीक आ जाते हैं, देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये बीच में इन्होंने रख दिया अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बीच में रख दिया। और ये कहा कि भाई ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये तुम्हारे भी हैं और ये मेरे भी हैं, हम इनको शेयर कर रहे हैं। ठीक है, मैंने इस पर ये डॉटेड रेक्टेंगल सा बना दिया, ये हमारा हो गया शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब दोनों क्लोरीन की बात करते हैं। मान लो ये वाला क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन सेटिस्फाई हो गया, ये क्लोरीन बोलेगा मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए, क्योंकि ये जो बीच के 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के भी और इस क्लोरीन के भी, दोनों कॉमनली शेयर कर रहे हैं इसको। ऐसे ये क्लोरीन बोलेगा मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 8 इसके भी हो गए, 8 इसके भी हो गए, ठीक। तो इसका मतलब दोनों के दोनों सेटिस्फाई हो गए। तो क्लोरीन के कितने एटम मिले, तो एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये, तो क्या बन गया सीएल2। बताइए समझ में आया सबको कि नहीं? हां जी सर। यस सर। आज तक क्लियर है? यस सर। दीपांशी? यस सर। देवशी? यस सर। हर्षित? यस सर। पार्थ मेहता? यस सर। लेकिन मुझे चीज पूछनी थी सर, इसमें पूछ। हाँ बताओ सर। इसमें कोई वे होता है कि हम जो डायटोमिक स्टेट में रहने वाले एलिमेंट होते हैं उनको हम सिंगुलर स्टेट में रख सकते हैं? नहीं, अगर कोई भी डायटोमिक स्टेट में एडजस्ट कर रहा है ना, तो वो सिंगल स्टेट में एडजस्ट करेगा ही नहीं। और सर कोई मेथड नहीं होता उनको कि हम सेपरेट कर पाए किसी मेथड से? नहीं समझा नहीं, दोबारा बताओ। और सर उनको सेपरेट करने का कोई मेथड नहीं होता सर फिर इसमें? सेपरेट करने का मेथड होता तो है, लेकिन एज सून एज दे गेट सेपरेटेड ना, वो किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन करके कोई नया कंपाउंड बना देते हैं। ओके सर। है ना, तो क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये कभी भी सिंगल एटॉमिक स्टेट में, मोनो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की ना कमी होती है। अच्छा, आप कहोगे कि सर मेटल तो एग्जिस्ट कर जाते हैं। हाँ, तो मेटल के पास एक्स्ट्रा होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, तो इस वजह से वो फिर भी शांति से बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, okay, हम इसको याद रखने के लिए एक चीज समझ सकते हैं कि जो मेटल है, मेटल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब उनका पेट भरा हुआ है
और वो बेचारे इतना ज्यादा उनका ओवरफ्लो हो रखा है, उनके पास एक्स्ट्रा है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए वो चल नहीं पा रहे हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। और ये है भूखे, इनको भूख लग रही है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये इधर उधर तराशते रहते हैं कि मुझे कहीं से कुछ इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये भागते रहते हैं इधर उधर, और जैसे ही ये किसी के साथ कॉम्बिनेशन कर लेते हैं और ये सेटिस्फाई हो जाते हैं, फिर ये स्टेबली बैठ जाते हैं शांति से। ठीक है, वो ये याद रखने का तरीका है, कोई फंडा नहीं है ये, अभी आप सोचोगे कोई कॉन्सेप्ट है, याद रखने का तरीका। यस ठीक है। अच्छा अब देखिए बीच में कितना है, एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा सीएल सिंगल बॉन्ड सीएल, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सीएल सिंगल बॉन्ड सीएल। ठीक है, और लिखा कैसे जाएगा, क्योंकि दो क्लोरीन के एटम है तो सीएल टू, जैसे ये क्लोरीन बना सीएल टू। अब इसी तरीके से मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी ऐसे ही बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ H2, ये क्या होगा H, H के आउटर मोस्ट में कितने एक ही एटॉमिक नंबर होता है इसका, एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, ये हो गया और ये हो गया, दोनों ने कहा हम दोनों भाई भाई चलो कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, दोनों ने कॉम्बिनेशन करा, दोनों नजदीक आ गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बीच में, दो इलेक्ट्रॉन ये इस हाइड्रोजन के भी है, इसके भी है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये कैसे बनेगा H, सिंगल बॉन्ड H, यानी कि H2। बताइए समझ गए कि नहीं? Yes sir. Yes sir. ठीक है जी, अब एक काम करिएगा, आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड आप कोई भी किताब उठाओ, कोई भी किताब उठाओ, उस किताब में से आज पढ़ लेना, या फिर मैं नोट्स भेजूंगा, नोट्स में पढ़ लेना, कोई डाउट है कल पूछना। बाकी अभी तो दो ही एग्जांपल बताए हैं, अभी डबल बॉन्ड का भी बताऊंगा, ट्रिपल बॉन्ड का भी बताऊंगा, वो कल करते हैं डिस्कस। ठीक है सर, ये मतलब कि जब हम ये कल